नमस्कार, टेबल ट्रीट विद सीतापा में सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एक बंगाली डेलिकेसी कतला माछेर कालिया। माछ माने फिश और कालिया मीन्स अ फॉर्म ऑफ करी। तो चले रेसिपी शुरू करें। ये रेसिपी कतला फिश से ही बनता है। आप भी कोशिश करें कतला फिश ही ले, इसमें रहू से इतना अच्छा नहीं होगा। अब हम फिश में थोड़ा सा नमक और एक टेबलस्पून लेमन जूस डाल के इसको एक 5-10 मिनट तक मैरिनेट करके रखेंगे। बंगाली टाइप का फिश बनाना है तो सरसों का तेल तो मस्ट है। तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो एक चुटकी भर हल्दी मिलाएंगे और उसमें हम फिश को फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि फिश में जो हल्दी है वो इवनली पूरा सारे फिशेस में लग जाएगा। फिश को हमें हाई हीट में फ्राई करना है और बार बार इसको टर्न करते जाना है जब तक ना फिश बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। और जब तक हमारा फिश फ्राई हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो तब एकदम एंड में एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम सेम कढ़ाई में तेल थोड़ा आधा कम कर लेंगे और उसमें कुछ होल स्पाइसेस डाल देंगे। और ये सारे खड़े मसाले को हमें अच्छे तरह भून लेना है लाल करके। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट के हमें फ्राई करना है और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाए तो और एक मीडियम साइज़ के प्याज को पेस्ट करके वो डाल देना है। प्याज पूरा फ्राई हो जाए तो हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन पूरी तरह से भून जाए तो हम ड्राई स्पाइसेस डालेंगे जिनमें सॉल्ट स्वादानुसार, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर स्वादानुसार, ये सब डाल के हमें अच्छे तरह से मसाले को भून लेना है। और मसाले भूनते टाइम हमेशा हाई हीट में भूने और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाए। इसमें अच्छे से मसाला प्याज लहसुन के साथ मिक्स भी हो जाता है और जल भी नहीं जाता और अच्छे से तेल निकल आता है मसाले से। फिर हम इसमें एक टेबलस्पून काजू का पेस्ट डालेंगे जिनमें 4 काजू का पेस्ट है और 1/2 कप करीब दही डाल देंगे। दही डालने के समय हमें हीट को लो कर देना है, नहीं तो दही फट जाता है, और हमें कंटिन्यूसली इसको स्टर करते जाना है। फिर दही और काजू के पेस्ट जब अच्छी तरह से मसाले के साथ मिल जाए तो हमें थोड़ा सा गैस को मीडियम कर देना है और जैसे ही ये पेस्ट में से तेल लूज आउट होने लगे तो हमें इसको ढक के 1-2 मिनट तक पकाना है, क्योंकि काजू जो था वो हमारा थोड़ा कच्चा था, इससे थोड़ा सा पक जाएगा ये। और देखिए कितना अच्छा तेल लूज आउट हुआ है। अब हम इसमें धनिया पाउडर मिलाएंगे, 1 टीस्पून बहुत है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और जितना ग्रेवी चाहिए हमें उतना पानी डाल देंगे। पहले थोड़ा सा 1/2 कप डालिए, फिर और थोड़ा 1/2 कप डाल दीजिए, 1 कप करीब तो चाहिए ही होगा। कालिया में ग्रेवी थोड़ा थिक बनता है तो ज़्यादा पानी मत डालिए। फिर इसमें हमें फ्राइड फिश को ऐड करके थोड़ा सा टर्न कर दीजिए फिश को एंड इसको हम ढक देंगे और 3 मिनट तक पका लेंगे लो हीट में। अब एक छोटा चम्मच घी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस बन गया हमारा कतला का कालिया। बना के देखिए और एकदम स्टीम प्लेन राइस के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।